क्योंकि परमात्मा ने जगसु अशो प्रेम करियो कि उन आपनो एकलोतो बेटो दे दियो जिसु जो कोई ऊपर विश्वास करे वो मटे कोई न पर अमर जीवन पावे। परमात्मा ने अपना बेटा के ताई ई जग में ई कारण न भेजियो क जग के ताई दंड दे पर ई कारण है कि जग उसु उद्धार पावे। आज ईसा मसीह का 1 अरब सु भी ज्यादा चेला छे। मसीह विश्वास की शुरुआत की बाता 4 छोका समाचारा में मंडी छे, जबकि दूसरा छोका समाचारा में दूसरी बाता या वही बाता थोड़ी नारी रूप में बताई छे। या छे ईसु मसीह की कथा जस सेंदी लुका का छोका समाचार सु ली गई छे। प्यारा थियोप्लूस मुथारा ताई नंबर सु वा सेंदी बाता लिख रियो छू जब माँ का बीचा में घटी जिसु था हर बात की सेंदी सच्चाई जान सको। जा दनामा अगस्तुस केसर रोम को हाकिम छो और हेरोदेस बड़ो यहूदियों को राजो छो, परमात्मा ने नासरत शहर की एक कुंवारी का गोडे जब्राइल स्वर्गदूत भेजो और ऊ कुंवारी को नाम मरियम छो। हे मरियम डरफे मत, क्योंकि परमात्मा की कृपा थारे ऊपर हुई छे। तू माँ बनेगी, थारा एक बेटो होगो और तू ऊ को नाम यीशु राखजे। यह बात कशा होगी, मो तो कुआरी छू। पवित्र आत्मा थारे ऊपर आवेगी, जीसु वो पवित्र छोरो जो पैदा होवा वालो छे वो परमात्मा को बेटो कहलावेगो, ऊ को राज कदी भी कोने मिटेगो। मरियम आपने समदन इलिशबा सु मलबा यहूदा नगर गी, वा भी अचरा सु गर्भ सु छी। इलिशबा मरियम बना मरियम तो सेंदी लुगाईया में धन छे और जे छोरो तू जनेगी वो भी धन छे, क्योंकि जशाई तारो बोल मने सुनियो बच्चे मजा से मारा पेट में उछल पड़ियो। मारो जीव तो परमात्मा की बड़ाई करे छे और मारी आत्मा मारा उद्धार करा हाला परमात्मा में मगन छे। अबार सु आखा मुलक का लोग मारे ताई चोखो कहेगा। नासरत का सेंदारे बाला सुनो, अगस्तुस कैसर की आड़ी सु हुकम खड़ियो छे कि गलील और यहूदा की संधि थोरा के लोगों की गणती की जावेगी। इके कारण संधि लोगों के ताई अपना बड़ा बूढ़ा लोगों का देश व कस्बा में जाके अपना अपना नाम लिखावो होगा गो। और मरियम का हो बड़ा आदमी यूसुफ के लारा नाम लिखावा यहूदा का नगर बेतलम की। पण वहाँ रुकबा की ठाम न मली, पण जे ठाम मली वह गाय बेला की ठाण छी। देश का उ हिस्सा में थोड़ा रुखाड़ा अपनी बेड़ा की रात में रुखाड़ी कर रहा था, तब परमात्मा को दूत वहां के सामने आयो और परमात्मा की कृपा को उजालो वहां को ऊपर चमक्यो। आज दाऊद का मुलक में था के कारण एक कल्याण करना हालो जन्म लेगो और वो ही यीशु परमात्मा होगो। रुखाड़ा बेगा सा उ जन्मिया बालक का ताए देखबा चाल पड़िया और ऊ का ताए देखबा हाला में वह फैली परत का मनक छा, जिसु वाने कुआरी माई और कल्याण करबा हाला का जन्म का सुसमाचार फैलाया। सात दना के पाछे ऊ बालक का खतना की बगत आई, तू को नाम यीशु राख्यो और यूसुफ और मरियम ऊ बालक का ताए परमात्मा के सामने ले जाबा के कारण यरूशलेम ले गया। मंदिर में समोन नाम को एक छोको और भगत मनक छो, जीसु पवित्र आत्मा ने सोगन खाया छा के जब ताई ऊ यीशु का दर्शन न कर लगो मरगो कोई न। परमात्मा अब तू थारा भगत ने थारा बचने के लार शांति सु विदा कर। मेरी आंखा ने थारा कल्याण का दर्शन कर लिया, ये छोरो तो परमात्मा को भी जो छे
तन दुनिया के ताई परमात्मा राजी राखे। और वानस हिंदा धर्म का काम पूरा कर लिया तो यरूशलेम से पाछा नासरत में आया। जब यीशु 12 वर्ष को होयो तो उनकी माई मरियम और बाप यूसुफ उन्हें फसे का त्यौहार पर यरूशलेम ले गया। पर जब वह ई विचार में छा के छोरों के पीछे आ रियो छे तो यीशु पाछे ही रह गयो। उन्हें ढूंढवा के कारण वो पाछा ही शहर में गया और तीसरे दिन जार उनके ताए मंदिर में यहूदी धर्म का लोगों के बीच में बैठो पायो। यो की को छोरो छे जो ऐसा सवाल कर रियो छे? नासरत को छे, मां समझे मां कला रही होगो, इनकी उतावली न माफ करो। जतना ने उनकी बातें सुनी अचरज करियो। हे भाया, थाने यो काई करियो? थारा बाप हरे मने थारे ताई हेरबा में घणा खोड़ा पड़िया। हाँ, मने क्यों हेरो छो? थाना जानो के मने मारा बाप के काम में लागियो रहबो छे। और वो वहाँ का लारान आसरत में आयो और ज्ञान और डील और परमात्मा और मनख्या की कृपा दृष्टि में बढ़तो गयो। तिब्रियास केसर का राज का 15वां साल में जब पोंतियुस पिलातुस यहूदियों को हाकम छो और हेरोदेस गलील को राजो छो और हन्ना और कैफा मायाजक छा, परमात्मा को वचन डांग में यौना का गोड आयो और ऊ यर्दन नदी का आसपास का सेंदा देशा में आर पापा की माफी के कारण बपतिस्मा को प्रचार करवा लागियो। अपना कुकर्मा सु पछतावो करो और बपतिस्मो ले लियो और परमात्मा थाका पाप माफ करेगो। जशान की यशाया सुनी की किताब में मंडरियो छे, डांग में कोई हाका पाड़ियो छे के परमात्मा को गेलो बनाओ, उक आबा के कारणे गेलो सुदो बनाओ, सारी घाटियां भर दी जावे, सेंधा ढोल और पहाड़ बरोबर कर दिया जावे, आडा टेडा गेला सूदा कर दिया जाव, और उबड़ खबड़ गेला छोका करो, और सेंदा मनक परमात्मा के उद्धार के ताई देखेगा। मैं काई करा? हाँ बता, मैंने काई करा? ए सांप के पुतो, तू मां के ताई काई करवा गाने के रही छू? मां के ताई बता, मां कटी जावा? जी के गोडे दो कमीजा हो, एक ऊके ताई दे दे, जी के गोडे कोई ने, और जी के गोडे रोटियां हो बांट रखाओ। है गुरु, मां चुंगी ले वाला छा, मां काई करा? अपना तोल सू ज्यादा मत लियो। ओ माने काई करनो छे? मां काई करा? शक्ति सू कोई सू भी पीसो मत लियो, और कोई के कारण झूठी बाता मत गड़ो, अपनी कमाई में सबर रखो। माने बता, तू काई क्रिस्ती छे? हूँ थाने जलसु बपतिस्मा दियूं छूं, पर एक मारे पाचा आबा वाला छो जो माँ से घणो बड़ो छे, मुँह तो ई लायक भी कोई ने कि उका जूता का बंद खोलूं, उठा के तई आत्मा और आग सु बपतिस्मो देगो, उको सूपड़ो उका हाथ में छे, जैसे गेहूं ने भूसा सु नाड़ो कर अपना कोठा में मेलेगो।
और पवित्र आत्मा शरीर का रूप में कबूतर की नाई यीशु पर उतरी। और स्वर्ग सु एक बाणी आई के तू मारो प्यारो बेटो छे और मुँह तसु गणु खुश छू। जद यीशु ने अपनी सेवा शुरू करी तो करीब 30 बरस को छो। उ पवित्र आत्मा सु छो कितना भर यर्दन नदी सु लौट्यो और आत्मा उके ताई डांग में लेर गी। वहां पर दुष्ट 40 दिन ताई उको लालच देर परख्यो। वहां सेंधा दना में उन्हें काई भी न खायो। और उदुष्ट ने उसे यूं की, अगर तू परमात्मा को बेटो छे तो बाटा से कह की रोटी बन जा। अच्छा मन्यो छे मने के रोटी से न पर प्रभु का हर एक वचन से जीवत रहेगा। तब दुष्ट के ताए ऊंचा पे ले गयो और चढ़ी सी बेर में धरती का सेंधा राज दिखा दिया। मुँह ये सेंधा जिमा और सुखता रहता है देश गुंचो ये सेंधा मार रहता है सुब्रुत क्या क्या चे और जी का ताए मुँह छाऊं मुँह का ताए देश गुंचो और ये सेंधा तारा हो जाऊगा जो तू मार रहता है नमस्कार करोगे तो। अच्छा मंडू चे तू थारा प्रभु परमात्मा की भक्ति कर और केवल उसकी ही सेवकाई कर। तब दुष्ट उन्हें यरूशलेम ले गयो और मंदिर की ऊंची चोटी पर उबो कर दियो। अगर तू परमात्मा को बेटो छे तो अपने ते यहाँ से नीचे गिर दे क्योंकि धर्मशास्त्र में मंडरो छे आप परमात्मा अपना दूता के ताई तेने संभालबा कारण हुकम देगो वो तेने हाथा मई उठा लेगा असी न होवे के तारा पगाम में बाटा की टीच पड़े। धर्मशास्त्र कहवे छे तू तारा प्रभु परमात्मा की परख मत कर। और वो नासरत में आयो जहाँ पहली पाले पोषो गयो छो। कसी छे चौकी छू और बसराम के दन वो रोजिना की नाई आराधनालय में गयो। और उन्हें यशया भविष्यवक्ता की किताब सु एक हिस्सो बांचबा के कारण बुलायो। परमात्मा की आत्मा मारे ऊपर छे उन्हें मने गरीब मन हाला पर शुभ समाचार देबा चुन्यो छे कैदियां ने छुड़ावा और आंधा ने फिर सूझबा को प्रचार करवा मने भेजो छे। जे सताया हुआ छे वहां पे छुड़ावा अरे कहबा की घड़ी आगी छे कि परमात्मा अपना मनख्या के ताई बचाओगो। धर्मशास्त्र को लेख आज पूरो हुयो छे जत्था ने इको बांसता सुनियो। प्रभु रो वचन पूरो गयो पण ई शरत कहता है केवल मसीह पूरो कर सके छे। मां किसा जानेगा साचाई थामसु खावत खेवेगा हे वे आपने ताई छोको कर।
हाँ ये भी खेवेगा अपना देश में भी वशा कर जो मने सुनी छे जे थने खबर न मैं करी हूँ तो सुख हूँ छू कोई भी सुनी अपना देश में आदर कोई न पावे। यहाँ बातों सु ईसु ने अपनी पहचान बताई कि ऊ परमात्मा को अभिषेक करियो मसीह अपना लोगों को कल्याण करवा के कारण भेजो गयो। यहाँ यहूदिया ने ईसु के ताई मसीहा कोई न मान्यो। इपवान ऊ के ताई चट्टान पशु गिराबा की सोची पर ऊ भीड़ में से खडर आपने गेला चली गयो। और गलील का एक नगर कफरनाहम में आयो। उपगत देश में रोमी राज को असर सेंधी ठोरा देखो जा सको छो और मनक उका जुलमा सो छुटकारा पाबा के कारण मसीह की उतावली सु बार जोरिया छा। हाँ के ताई शांति मिले अर्थो मालक तारी नाव में आशा कुछ समान क्यों ना काई वो अपने ताई छोड़ तो न जा रही हो छे मसू बाता कर मसू बाता कर बाता कर मसू बाता कर मसू एक बार दो मनक मंदिर में प्रार्थना करवा गया। एक था परिसी और दूजो चुंगी ले बालो। परिसी ने एक आड़ी उबो और अशा प्रार्थना करी परमात्मा मु थारो धन्यवाद करू छू कि मु दूजा की नाई लालची बेईमान और बुरो मनक कोई न छू। मु थारो धन्यवाद करू छू कि मु चुंगी ले बहाड़ा की नाई कोई न छू। मु सप्ताह में दो बेर उपवास रखू सेंधी कमाए को दसो भाग दू छू पर चुंगी लेबा हाड़ा ने दूर उबो और सरक की आड़ी आंखें भी न उठाई पर अपनी छाती कूट कूट रखी परमात्मा मुँह पापी पर दया कर। मुँह कूचू परमात्मा की नगाह में फरी सी कोई न पर चुंगी लेबा हारो धर्मी ठहर गण गयो जे मनक आपने ताई बड़ो बनाओगो वो छोटो करो जाओगो पर जे आपने ताई छोटो बनाओगो वो बड़ो करो जाओगो। आपने नाव ने ऊंडा पानी में ले चलो तू और थारा साथी माच ने पकड़वा के कारण जाल फांको। ए मालक मां की रात पचया पण खाई भी न मिलियो पण तू खावो तो मु जहाल डाल दियो। याकूब जोलो बस घनी छे अतरी घनी छे तू मसूदूर हो जा मालक मु पापी मनक छु। डरपो मती आ सुथा मनखा ने पकड़ोगा। मारे गोडे आओ और मारी बातां सुनो। मारी सुनो तो था जीवन पाओगा। परमात्मा ने हेरबा में लागे रहो जब ताई वो मल सके छे जब ताई वो गोड़े छे उन्हें हाका पाड़ो। खोटा मनक आपना गेला और अधर्मी आपना बचा छोड़ परमात्मा की आड़ी फरे ऊपर दया करेगो और सेंधी त्रासू के ताई माफ करेगो क्योंकि था आनंद के लार जाओगा और शांति के लार पहुँचाया जाओगा।
વાર્યો છે એવો અઢી છે જાગો પ્રભુ પ્રભુ હું થશું અરજ કરું છું મારી એટલી છોડીને બચા ગરુ કૃપા કર બસ 12 સાલ કી છે અર મરરી છે કૃપા કર મારલા ચાલ યાર માર તાય ઘણો દુખ છે ઈશુ તારી છોરી મરગી ગરુજી ને દુખ મત દે ડરફે મતી કેવલ વિશ્વાસ રાખવા છોકીઓ જાઉં રહો મતી અમારી કોઈને પણ કેવલ સોરી છે છોરી ઉઠ જા કાંઈ ને કાંઈ ખાવા મત દો હું તાકે તાઈ જતાઉં છું જે યા હોય કોઈ સુધી મત ખીજો એક બાદ ઉને મત્તી લેવી નામ કા એક ચુંગી લેવા હાળા મનક તાઈ દેખ્યો જે કે નાકા પર ચુંગી લેવા બેઠ્યો છો મારે પાછો જા ઈસુ પહાડી પર પ્રાર્થના કરવા ગયો ઓર વહાં પરમાત્મા શું પ્રાર્થના કરવામાં સેંધી રાત બિતાઈ ઓર જદ તડકો હોયો તો ઉને વહાં 12 ચેલાં કા તાઈ બુલાયો ઓર વહાં કા તાઈ પ્રેરિત કી પદવી દી સિમોન કો નામ ઉને પત્રસ ભી રખાણ્યો ઓર ઉકો ભાઈ અંદ્રિયાસ યાકૂબ ઓર યોહના ફિલિપુસ और बर्तुल माए और मत्ती और थोमा और हलपाई को बेटो याकूब और समोन जो जेलोतेस कावज है और यहूदा याकूब को भाई और यहूदा इस्करियोती जिनों का ताई बाद में धोखो दियो
धन्य छे था जो दीन छो क्योंकि परमात्मा को राज थाको छे। धन्य छे जो अबार भूखा छो क्योंकि तृप्त कर जाऊगा। धन्य छे था जो अबार रो छो क्योंकि था हाँसेगा। धन्य छे था जद मनक का बेटा के कारण लोग दिली था बेर करेगा, ताके ताई खाड़ पाएगा और था की बराइयाँ करेगा। यदि ता अशा होवे तो ता खुश हो जियो और ना जियो क्योंकि था के कारण सड़क में छोको फल छे, क्योंकि वहाँ का बाप दादा ने सुनयान के लार अशा ही करो छे। भणवो जावे वो पागल लियो गो। हाय था पे जो अबार हंस रहे छो क्योंकि था दुख पाओगा रोगा। हाय था पे जे सारा मनक था के ताई छोको केवे क्योंकि वहाँ का पुरका भी झूठा सुनिया के लार अशा ही करे छा। पण मुसुनवा हाला सु खूजु आपना बेरिया सु प्रेम रखा जे था पे श्राप दे वहाँ के ताई आशीष दियो। जे था सु बेरा के वहाँ को भलो करो। जे था को अपमान करो उके कारण विनती करो। जे ताके एक गाल पे झापट मारे हूँ कि आड़ी दूसरो गाल भी फेर दी। और जे थारो कोट लेबा छावे हूँ के ताई कमीज भी दे दियो। और जे काई थासो मांगे ऊके ताई दियो। जद कोई थसो थारी चीज ले ले तो के ताई पाछी मत मांग। जैसा था छाओ जो मनक था कि लार करे वैसा ही था करो। यदि था आपना प्रेम राग बहाड़ा के लार प्रेम रखाणो तो था के ताई आशीष खाई में मिले क्योंकि पापी भी प्रेम राग बहाड़ा के लार प्रेम राखे छे। यदि था भलाई कर बहाड़ा के लार भलाई करो छो तो था पे आशीष कशा मिले क्योंकि पापी भी ऐसा ही करे छे। वो सु बात कशा कर सके ने आपना बेरिया सु प्रेम राखो और वहां को भलो करो। पाछे लेवा की मनसा मत राख रुदार दियो तो था के कारण भी छोको फलो हो और था परम परमात्मा की संतान ठहरेगा। वो बुरा और धनबाद न करवाना कारण भी छोको छे। दयावान बनो जिस था को बाप भी दयावान छे। मन के ताई बचा प्रभु। न्याव मत करो तो था को भी न्याव न करो जावे। दोष मत लगाओ तो था पे भी दोष न लगाए जावे। माफ करो तो था भी माफ करया जाऊगा। मैंने गेलो दिखा परमात्मा। दियो तो थाने भी दियो जाओगो। जी नाप से था दियो चो उही नाप से थाने भी दियो जाओगो। ये कहा दो दूजा आंधा के ताई गेलो कोई न दका सके। यदि वो अच्छा करेगा तो दोनों खाड़ा में जा पड़ेगा। आपना भाई की आंख में पड़ी ठीठ के न खाई में देखे छे खुद की आंख में पड़ी मोड़ी लाड़ी थाने कोई न दिखे। अंधा था माने गेलो देखा परमात्मा माने था की जरूरत छे। वा माई कतनी धन छे जिने थारे ताई जण्यो और पाळ्यो। वा कतना भगवान छे जो परमात्मा की बात सुने अर माने छे। मुई मनक ने जान बचाव छु। था सोचो छो काई वो मसीह हो सके छे। वो फरीसे ने यीशु के ताई अपना ला रात की रोटी पर बुलायो। यीशु के गणे गयो और रोटी खावा के कारण बैठियो। छोरा छोरी सो जाओ जाओ। अरे थाने न सुनी जाओ ये छोरा छोरी घना रांदो। वाह या काय करे छे मु काई नहीं जानू छू।
જાણતો કેવ કશન નરક સુ જીવન ચીરી છે હું જાણું છું એ લુગાઈ કોણ છે સિમોન મહી તાસુ કુછ કહણો છે કોઈ સેટ કે દો કરદાર છા જીન મે એક પે 500 ઓર દૂજા પે 50 ચાંદી કા સિક્કા કો દોની આપણો કર્જો ચુકા ન સકે છા તો ઉને દોની કો કર્જો માફ કર દિયો કોણ ઉસો ગણો પ્રેમ કરે ગો હું જાણું છું કે વોઈ છે જી કો ઘણો સારો કર્જો માફ હોયો થાને ઠીક હે ઈ લુગાઈ ને દેખો છો હું થારે ઘરના આવ્યો અર્થને મારે તાઈ પગ ધોવામાં ફાણી બે ન દ્યો પણ એને આપણા આ સાસુ મારા પગ ધોયા અર આ આપણા બાળાસુ પૂછે તને ચુમર મારી મનવાર કોઈને કરી પણ જસુ હું આવ્યો એને મારા પગા પે ચુંબો ન ચડ્યો તને મારા માથા પે તેલ કોઈને મળ્યો પણ એને મારા પગા પે ઇતર મળ્યો છે હું તાસુ કહું છું એકો ઘણો પ્રેમ બતાવે છે કે એકા ઘણા સારા પાપ માફ હો ગયા જેકા થોડા સા માફ હોયા છે વો થોડો પ્રેમ કરે છે થારા પાપ માફ હોયા થારા બસવાસ ને થપે બચાલ્યો ખુશી શું છે और यीशु परमात्मा का राज का अच्छा समाचार सुना तो होयो यात्रा करवा लागियो और ऊ का बारा चेला और भूता से छुड़ाई हुई लुगाया ऊ का लार छी मरियम जो मगदलिनी केलावे छी योना जी को आदमी खोजा हेरोदेस को मुनिम छो और सुसन्ना रोमी शासन से चुनिया गलील देश का राजा हेरोदेस ने यौना बपतिस्मा देवा हाला का ताई जेल में बंद करवा दियो क्योंकि उन्हें राजा का ताई अपना भाई की लुगाई सु ब्याह करबा को दोष बतायो छो छोको छे जद मां नाइन का फाटक पे पहुंचा तो मनक एक मुर्दा ने लेट जा रहा छा मरियो मनक एक राण बेर को एकलो बैठो छु जद ईसा ने वो राण बेर के ताई देखियो उको कालजो दया सु भर गयो उन्हें अर्थी का हाथ लगा रखी हे जवान उठ मत सुखू छु फिर वो मुर्दो उठ बैठो और ईसा ने ऊ के ताई ऊ की माई पर सौंप दियो उसे पूछो तू ऊ छे जी आबा हाला की बे यौना ने की छी या फिर मां दूजा की बाट नाला માલક માલક યોના બપ્તિસ્મા દેવાળાને મને પૂજવા ભેજ્યો છે કે તું વોઈ છે જે આવાળો છો યા માં કોઈ ઓર કી બાટ નાળા જે ભી થાને દેખ્યો ઓર સુણી જાર યોના સકો આંધા દેખ સકે છે લગડા ચાલ સકે છે કુછ કસમ છે જાના મારા બારામાં શંકા કોઈ ને ભાઈ જી મને ખાંધા પર બેઠાણા મારા ખાંધા પર આજા આપ તાર તાં દેખ રહ્યો છે હું ઈશુને દેખ શકું છું એક બીજ બોબા હળો બીજ બોબા ખડ્યો અર બોતામાં થોડા બીજ ગેલા કે કિનારે ગર્યા ઓર વે રૂંધ ગયા અર પંચારે વા પે ચુગલ્યા અર થોડા ભાટા પે ગર્યા વે ઉગ્યા પણ પાણી ન બલબાસુ વે સેંદા સૂ ગયા થોડા ઝાડિયા કે બીચ મેં ગર્યા અર ઝાડાને લારા લારા બડર વા કે તાઈ દબા દે પણ થોડા બીજ છોકી ઠામ પે ગર્યા અર પૌધા ઉગ્યા બડકર ફલ દયા અર ઘણા સારા ફલ દયા
गरु जब भीड़ गोडो हुए छे तो था किस्सा में कई में बात करो छो ताके ताई परमात्मा के राज की गुप्त बातें की समझ दी गई छे पण औरा के ताई किस्सा में सुनाई जावे छे जीसु के वाने सूझता हो भी न सूझे और सुनता हो भी न समझे किस्सा को मतबल यो छे बीज तो परमात्मा को शब्द छे गेला के किनारे का वे छे जाने शब्द तो सुनिया पर दुष्ट आर मन में सुशब्द ने उठा ले गया कि आशा न हो कि वो विश्वास करे और मुक्ति पावे चट्टान पर गिरा बीज वे छे जो बात सुन आनंद सु मन में जमावे तो छे पर जड़ न पकड़ बासु थोड़ी देर ताई विश्वास करे छे अरे इम्तिहान की बगर वे घर पड़े छे और झाड़िया में बीज हुए छे जो बात तो सुने छे पर भगत की लाल लाल चिंता पीसा और मौज मस्ती में फंस जावे छे और वहां को फल न पा सके पर छो की धरती पे गिरा बीज वे छे जो बचन ने सुने भला और छो का मन में जमा राखे छे और वे धीरे सु फल लावे छे कोई मनक दियो जलार ऊ के ताई हांडी में न छिपाओ और नहीं खाट के पींदे मेले पर ऊन ऊंचा पर राखे छे कि मेलाडी जाबाड़ो उजाड़ो देखे जो कुछ छुप रो वो उजाला में लायो जाओगो और जो कुछ ढक रो वो उजाला के सामने आओगो चेत जाओ कि खी तरीका से सुनो छो क्योंकि जी के गोडे छे ऊ के ताई दियो जाओगो और जी के गोडे कोई न छे उस वो भी ले लियो जाओगो जिन्हें वो आपनो समझे छे गुरु तारा माई तारा भाई बारा खड़िया छे तसु मिलवा चाह रहा छे मारी माई और मारा भाई वे छे जे परमात्मा की बात सुने और वहां पे चाले छे एक दिन ईसा मसीह अपना चेला के लार एक नाव पर चढ़िया और केबा ला गया आओ आपन तालाब के पेली पार चला और जब चेला नाव चला रहा छा ईसा मसीह सो गया मैं बच जाऊंगा था को विश्वास खटी गई और वो ग्रासेना का मुलक की आड़ी चले गया जो तलाव के पहली पार गलील के सामच है बेटो तुम आज कहीं जाओ छे मैं विनती करा छा मारा दंड मत दियो थारो नाम कहीं छे
માસ કરા છા અંધાતા માગતા ઉનાગડા મત ઘેર માગતા તો સુના ઘેર મેં જવા દે और भूत उमर से खट गया पाचाओ और खड़ सूडा में चली गया। यहां से चलियो जा ओ जादूगर मागे ताई रेवा दे ये स्थान से चलियो जा मागे ताई रेवा दे यहां से चलियो जा तू जठी जठी जाऊ मु थारे लार चालू मारे ताई थारे लार चालवा दे घने पाछो जा बता दीजो परमात्मा थारे लार काई करे ईसा मसीह और उका चेला भीड़ बड़ा का सु बचवा के कारण वे सदा चले गया। पन मनख्या के ताई ई बात को पतो लागियो और वाने ईसा मसीह को पाछो करियो। दन आथ्या पत्रस के अवाल आगियो मालक लोगां के ताई जाबा दे जिसो वो चारों आड़ी का गांवड़ा और खेतान में जार रेबा और खाबा को थोल पाड़ सके या एक सुनी ठोर छे था खुद ही उन्हें खाबा ने काई दियो माँ के गोड़े 5 रोटियां और 2 मछलियां ही छे धनचे माँ का प्रभु परमात्मा सरक पृथ्वी का राजा जय धरती पे अन्न उपजावे छे लोग मारी बेई काई कहे छे कोई थने योहन्नो बपतिस्मा आलो का छे और कोई थने एलियो का छे और तू जा को कहबो छे के तू अंतर्यामी छे जो पाछो जीवतो गयो थाव काई खबो छे हु कुण छे जे थाव खोज हु परमेश्वर मसीह छे तू या कोई लोगों से मत कीजिए मनक का बेटा के कारण जरूरी छे के दुख पावे तुझ समझ कर मारो जावे पर तीजे दिन वो फिर जीव तो कियो जाओगो
God's glory. Each day and nonsensely through the following day, each night repeats it to the next. कहीं था मैं से कोई मार ला रहा हूँ? मुँह थारा पाचे चालूंगा मालिक, पाण मारा ताई घरा जार घरालो सुविधा ले पाद। जे कोई हाथ अल पर राख और पाचो जहाँ के वो परमात्मा के राज के लायक कोई न छे, यदि कोई मारे लाड़ चाल वो चाहे वो खुद सु अनकार करे और हरेक दन क्रूस उठार मारे पाछे आ जाओ, क्योंकि जो कोई आपनो जीव बचाओ को उन्हें खोगो, पर जो कोई मारे कारण जीव खोगो वो उन्हें बचाओ, यदि मैंने सारा जगत ने ले ले और आपनो जीव गंवा दे तो उन्हें काय फायदा, जो कोई मसू और मारी शिक्षा से लज जाओगे तो मनुख को बेटो भी जब आपने और बाप और पवित्र सरक दूता की महिमा के लारा आओगे तो उसे लज जाओ। मु बचन दूच यहाँ थोड़ा अच्छा अच्छा जब तक परमात्मा को राज न देख ले मरेगा कोई ना। तब ईसा मसीह ने यहूना याकूब और पतरस के ताई आपने लारा लिया और पर्वत पर प्रार्थना करवा चले गया। और जब वो प्रार्थना कर रियो छो उकी शकल बदल गई और उका लत्ता धोला होर चमकबा लाग गया। अचानक दो पुराना अंतर्यामी उसे बाता करबा लाग गया, यो मूसा और एलिया छा जस रक्की शक्ति सु प्रगट होया। यो परमात्मा की मंशा पूरी करेगो, थारी मौत यरूशलेम में होगी। जद वह उठोर सो चालिया तो पतरस ईसा मसीह सू बोलियो, मालक यो कतरो चौक छे का अपना ठीचा आपना तीन मंडा बनावा एक थारे काने। पतरस कह रियो छो कि एक बादला ने ऊक ताई ढांक लियो, ये केलिया के काने। और सेंधा चेला डर गया और बादला में सू एक वाणी आई कि यो मारो बेटो छे जी के ताई मन चुनियो छे इकी सुनो। गुरु ए गुरु मु बिंटी गुरु मारे पूछने बचा अंडा था ए अंडा था जो मारो एकलो पूछे मैंने थारा चेला सु इके ताई खाड़ बाकी की जी पण इके ताई ने काट से गया बना बसवासियर ढीठ मन ख्याओ हो था के लार खदेकता ही रहूं और था के सहतो रहूं आपना बेटा नहीं आला। Oh,
को मुंडो भी चोको हो गयो छे। यो कतरो अचरज छे। मागे ताई प्रार्थना कर सका जैसा यौ ना अपना चेला के ताई सिखाव जो जत्था विनती करो तो खीजो माँ का बाप तुझे स्वर्ग में छे थारो नाम पवित्र माने जावे थारो राज्य आवे थारी मनसा जैसा स्वर्ग में पूरी होवे वैसा धरती पर भी हो माँ की धन भाई की रोटी आज माँ पे दे और माँ का पाप माफ कर जैसा अपना अपराधियों के ताई माफ करा छा माँ के ताई अमतान में ना पड़वा दे पण बुराई से बचा। मांगो तो थाने दियो जाओगो ढूंढो तो था पाओगा खटखटाओ तो क्वाड़ खोलिया जाओगा क्योंकि जे कोई मांगे छे वाने मले छे ढूंढे छे जे पावे छे और जे खटखटावे छे उके कारण क्वाड़ खोलिया जावे छे। थामो सो शुकुन बाप होगो जो अपना बेटा पे माछलिया मांगे तो सांप दे और अंडो मांगे तो वहां ने बिच्छू दे ता कतना ही बुरा हो अपना बाल का पर छोकी चीजा देबा जानो छो तो फिर कतनी बड़ी बात है कि सरक को बाप अपना मांग बा हाड़ा पे पवित्र आत्मा दे। मुतासो कुछ अपना जीव की फकर मत करो कि मैं काई खाऊंगा और नहीं अपना डील की काई फेड़ेंगे क्योंकि जीव रोटी सुबत कर छे और डील लत्ता सुबत कर छे। चिड़ियान ने देखो वह न तो बोवे छे और न काटे छे और न वहां के भंडार छे फिर भी परमात्मा वहां पे खुआवे छे। ता तो चढ़ी चुड़गला सु कतना घना कीमती जो थामे सो अशोक कुण छे जो चिंता कर अपना जीवन न बढ़ा सके जब था छोटो सो काम भी न कर सको तो दूसरी बात है कि फकर खाई में करो छो होसन का फूलों की आड़ी झाँको वो कैसा बदे छे वह न तो मेहनत करे न बुने छे फिर भी राजा सुलेमान आपना सारा भोग बिलास में कोई एक के समान में लता न पहन सक्यो। यदि परमात्मा बड़ा के घास ने जो आच्छा और काल बाल दी जाओगी अच्छे पहनाओ छे या पक्की समझो था के ताई क्यों न पहनाओगो है कम विश्वास आला हो माँ का बसवास के ताई बड़ा यदि था को बसवास राय का दाना का बरोबर भी हो तो और ताई रूकड़ा सुखता कि जड़ से उखड़ा समुद्र में जा पड़ तो वो मान ले तो पाप करबा की मन में तो घणी आवे छे पण हाय ऊपर जीसु ये आवे छे जे यहां छोटा मासु एक ने भी पाप में गरावे छे उके कारण ये ज्यादा छोको होतो कि उके गला में भाटो बांध और समुद्र में फांक दी जातो। परमात्मा को राज की के बरोबर छे वो अशा छे जशा एक मनक राय का दाना ने लेर अपना खेत में बोवे छे और पौधा बड़ा कर रूखड़ो बन जावे छे और चढ़ी चुगला उकी डाला में घोंसला बनावे छे। तोल कोई ना वो काय कह रहे छे तो चुंगी लेबा वाला और नीची जात के लारा खाए में खावे पीवे छे भला चंगा लोगा ने भेद की जरूरत कोई ना पण केवल जे बीमार छे मोचा लोगा ने मन फरावे कारण बुलावा ना आयो पण गरिया हुआ ने सब
माने रात की बेई फेर बता काय और भी छे। ए छोटा झुंड डरो मत, था का परमात्मा ने भाइयों के था पे राज दे। था को सेंदो माल बेच और धन गरीबा में बांट दियो। आपने कांडा अच्छा थेला सुहाओ जो पुराना न हुए। आपनो पीस और सड़क में एक टोक करो जहाँ कदी घटे कोई न, क्योंकि कोई चोर उठी न जा सके, कीड़ उके ताई बगाड़ न सके। जटी था को पीस होगो उठी था को मन भी रहेगो। ए बना तू थारी बीमारी सो आजाद हो। झाको झाको यो तो अचरज छे, झाको या तो चौकी होगी, अटी आओ झाको। पे 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 परमात्मा को धन्य मानू छू। 18 बरस परमात्मा था के ताई सुखी राखे। छह दन छह जा में काम कर वो चाहिए, और वही दना में चंगो वो चाहिए। ई शब्द के दन में कोई न। ए पाखंडियों, शब्द का दन था में से कोई अपना गदा या बैल ने खोल पानी पुआबा कोई न ले जाओ छे। अठिया औरत जो अब्राहम का वंश की छे, जीके ताई दुष्ट ने 18 बरस बांध राखी। यो छोको कोई नहीं की सबक का दन आजाद की जाती। चोखा गुरुजी, अनंत जीवन पाबा कारण कहीं कहीं करूं। तू मने छोको खाई में खेचे, परमात्मा ने छोड़ कोई भी छोको कोई ने, तुक माने तो जाने छे। बुरा काम मत कर जे, जान सु मत मार जे, झूठा लाचन मत लगा जे, अपना माई बाप को सत्कार कर जे। ये सेंडा हुकम तो मैं बालपण से ही मान तो आयु छू। थारे थाई अभार भी एक बात करवा की जरूरत छे। आपनो सेंदो माल बेच गरीबा में बांट दे, और थारे थाई सड़क में धन मलेगो जदार मार पाचे होले। मैं तो सेठ था, घना पीसा वाला। एक धनवान को परमात्मा का राज में जाबो कतरो मुश्किल छे। परमात्मा का राज में धनवान ने दस बासू, ऊंट का सुई का नाका में से खड़बो आसान छे। तब कौन उदार पा सके छे? जे मन क्या के ताई मुश्किल छे वो परमात्मा कर सके छे। चोको छे परमात्मा नो राज फेर कर लिए होगो। परमात्मा को राज उजागर रूप से कोई न होवे। कोई या नखेगो जहाँ को उठी छे या अठी छे, क्योंकि परमात्मा रो राज था के मेलाडी ही छे। वह भगत आओगे जो था मनक का बेटा का दना में से एक दिन देख बचावेगा, पर देख न सकेगा। जैसे बिजली आकाश में एक आड़ी से दूसरी आड़ी चमक कर प्रकाश दे छे, वैसे मनक को बेटो भी अपना दना में प्रकट होगो। पण फैली उन्हें घणो दुख उठानो पड़ेगो, और इस झुक के मनख्यान की आड़ी से नकार दियो जाओगो। आकाश और धरती को टल जाबो तो आसान छे, पण जे बाता शास्त्र मंडी छे जरूर पूरी होगी। मुता सकू छू बहुत सा राजा और अंतरयाम ने जो था देखो छो, देख बचायो पर देख न सके, और सुन बचायो पर सुन न सके। माँ को काई कर बचाइजे? धर्मशास्त्र काई खेवे छे, ताई को काई मत बल खाडो छो। तू प्रभु अपना परमात्मा सु, अपना सेंधा मन, अपनो जीव और अपनी सेंधी शक्ति, अपना ज्ञान सु प्रेम रखाण जे, अपना पड़ोसी सु अपना समान प्रेम रखाण। तू ठीक है छे, अशा ही कर तो तू जीव तो रहेगो। मारो पड़ोसी कौन छे? वो पुलिस वाला कोई ने। तो कहीं कैसर होगो? एक भगत एक मनक यरूशलेम से यरियो जा रियो छो, तब चोरानो उके ताई घेर लियो, लत्ता उतार दिया, मारियो कूट्यो और अतमरो छोड़ चली गया। तब अशा हुयो कि उठी से एक पुजारी आयो,
तो उनके ताई देख एक आड़ी और खड़ी गयो। ई तरीका से एक व्यापारी भी उठी आयो और वो मन की आड़ी झांक्यो और मुंडो फेर चली गयो। पानी एक निजी जाति को ऊ गेला सु जा रहे छो, जद ऊने ऊ घायल मनक के ताई देखो तो ऊ को हृदय दया सु भर गयो। वो मनक के गोडे गयो, उन्हें चोटा पे दवा दारू व तेल लगा पाटिया बांधी, फिर उके ताई आपने सवारी में बठाण एक धर्मशाला में ले गयो और उकी संभाल करी। दूसरे दिन मालिक के ताई दो चांदी का कलदार दिया और उन्हें की इकी संभाल कर जियो, और जे भी खर्चो आओगो वो पाचे लौटता बगत हर ताई दूंगो। या तेना में सुखी ने ई घायल मनक सु एक पड़ोसी को फर्ज निभायो। जी ने उपे दया करी। जा तू भी सही कर जे। यहाँ छोरा छोरी न मारे गोड़ा आबा दियो, वहां के ताई मनामत करो, क्योंकि सड़क को राज अच्छा कोई छे। मुतासु साची कूचू, ये कोई परमात्मा का राज ने बालका के नाई कोई ना अपनाओगे तो मैं कभी भी भीतर न जाओगो। ये कोई मारा नाम से बालका को आदर करे छे वो मारो, और मारा भयज बाला को आदर करे छे, क्योंकि था में से जो सबसे छोटो छे वो ही सबसे बड़ो छे। दाऊद की संतान मैं पर दया कर। उतारे कारण काहे करो, मु फेर देखवा चाहू छु। तो फेर देख थारा बसवार ने थपे छोको कर दियो। मु देख सकु छु, मु देख सकु छु, मु देख सकु छु। जद यीशु यरूशलेम जा रहे छो तो सेंधी ठोरा उकताई भीड़ भाड़ मली। लोग बाग उसु पुण्य को गेलो दिखावा के बारे में पूछ रहा था और परमात्मा का राज का बारे में ज्यादा सीख बचा रहा था। यो मनक साचा ही अंतर्यामी की बात के बावड़ो छे। ए अंदाता मने बचा। ए परमात्मा माने बचाओ बचाओ, परमात्मा की जय हो। माने चोको गोले दिखाओ परमात्मा। मनक्या ने उका ताई परमात्मा और अंदाता मान वो शुरू कर दियो। यरियो में जग के नाम को चुंगी लेवा हड़ो मसीने देखवा अतनो चाहो छो के भीड़ सु बचवा के खातर रूखड़ा पर चढ़ गयो। चुंगी लेवा हड़ो छे। जक्का ही बेगो सो नीचे उतर, आज मने थारा घर में रहबो जरूर छे। महाराज घर ने कोनू का घर ठेरबो चावे छे। जक्का ही कस्या मसी के ताई जाने छे। सुनो, मु मारो कमायो आधो धन घर बांधियो छू। अगर मने अन्याय से कोई से लियो छे मु ने चोगणो पासे फेर दियूंगा। मु ये ना मान सकूं
એક ચુંગી લે બાળો આપણો પીસો પાછો કરી દે મુશ્કેલ છે હાજી ઘરમાં કલ્યાણ આવ્યો છે ક્યુંકિ યો મનક ભી અબ રામ કો વંશ કો છે મનક કો બેટો ભટકે ઉને ઢૂંઢવા અર બચાવા હે સુણો માં યરુસલમ કી આડી જા રહ્યા છા જેટી મનક કા બેટા કે કારણે ખી ગઈ સેંધી બાતા પૂરી હોગી ઉ ગેર જાતે ઉને સોંપ્યો જાઓગો वो की मजाक करके शर्मनाक व्यवहार करके ऊपर थूकेगा उनके कोड़ा लगा मार डालेगा पण वो तीजे दिन फिर जीव तो हो जाऊ जद ईसु जाने छो के वो मनख्या का पापा का कारण मारियो जाओगो फिर भी उन्हें यरूशलेम को गेलो पकड़ियो घना लोगों ने उका आबासू खुशी मनाई और उका ताए आपनो राजो मान लियो ईशु जद यरूशलम का गोड़ा आयो तो उन्हें देख रो रो पड़ियो चौको तो कि थाई दन शांति की बात न जान लेता पर थाने वह भगत गमा दी वेदन आवे चे जे थारा बेरी मोर्चा बांधर थने घेर लेगा और सेंधी तराजू थने दबाओगा और यहां भीता के बीच भी माटी में मला देगा थाने और थारा बाल का ने और तबे भाटा भी न रहा देगा क्योंकि था भगत ने पछाड़ न सक्या जब था पे दया करी जी यरूशलेम में पवित्र मंदिर आराधना की थाम के बजाय बोपारियों को अड्डो बन गयो थोड़ा साधु संता और दरबारियों का मन में ईसा मसीह के कारण बुराई जन्म लेवा लागी क्योंकि मनक ईसा मसीह के ताए राजो मान चुका छा मु समझो छु गणा ने के ताए राजो मान लियो राजो मांगवा वाला रंडिया और चोरा को राजो इके नाई माने गणा देखिया वावे कसमा खावर चले जावे मा को बसरा दिया जावे आंधा मत पड़ो उका चला दन दन बढ़ता जा रहा छे मनको की बढ़ाई कर रहा छे
આ સોચો એક રાજો છે. હું તને ચોક્કસ કરવો ચાહું છું, આ જ્યાં લોકોને થોડી સી ગરબડ કરી દી તો સારી જિમ્મેદારી થાકી હોગી. શાયદ એવું દરરોજ છે, સામો તો ગલી આખું કરવું છે. और जश्या फरीसिया और पंडिता का ढोंगी दल ईसु की छोकी बातासु चुंगल में फंसता गया. वश्या वश्या यहूदिया में उन्हें मान बा हाला भी बढ़ता गया और वश्या ही दोषी ठहरा बा हालासु विरोध भी बढ़तो गयो. मंदिर में ईसु ने एक घनी गरीब विधवा के ताई दो तांबा का सक्का दान करता देखियो. कहीं ज्यादा कोई ना दे सको मुथासु खोजो कि गरीब विधवा ने सेना लोगा सु बद कर दियो छे क्योंकि दूसरा ने आपले घना पी सामे से दियो छे પડીને આપણી ગરીબીમાં શું સેંધી કમાઈ દે દી. મને બતલા કે તને એસા કરવા કો કઈ હક છે, કિને થારો કોઈ યો હક દિયો છે? હું તાસુ એક સવાલ પૂછું છું, યોના કે તાઈ બપ્તિસ્મા દેવા કો હક પરમાત્મા શું યા મનક શું મળ્યું? यदि परमात्मा को आडी से कहेगा तो वो कहेगा फिर क्यों? योना पर विश्वास कोई ना? यदि मां कहेगा मन क्या की आडी से तो भीड़ मां बबाटा पाकेगी क्योंकि असेंदा योना कहता है सोनी कहो छे. मां को पतो कोई ना कठी सु मिलियो तो मु भी थाने कोई ने बताऊं कि मु योखी अधिकार से करू छु. એક બેર એક મનકને દાગ કી બાડી લગાઈ આ ઠેકાદારાને દેર ઘણા દના કે કારણ પરદેશ ચલી ગયો. જો દાગ એકટા કરવા કી ભગત આવી ઠેકાદાર કે ગોડે એક નોકર ખંદાય કે માં સો આપની ફસલ કોઈ સો લ્યા પણ ઠેકેદારા નોકર પર કૂટ્યો રીતો હી પાછો ખંદાય ફેર ઉને દૂજો નોકર ખંદાય પણ ઠેકેદારને ઉપે ભી કૂટ્યો અર હું કી બેજતી કર રીતા હાથી પાછો ખંદાય દીધું ફેર ઉને ત્રીજો નોકર ખંદાયો પણ ઠેકેદારને ઉકે તાઈ ઘાયલ કર બારે ફાંક દી ફેર બાડી કા ધણીને આપણે આપ સુખ્યો. આપ હું કાંઈ કરું? હું આપણા પ્યારા બેટાને ખંદાવું જરૂર વો ઊંકો આદર કરેગા. જ્યાં ઠેકેદારને ઉપર આતો દેખ્યો તો એક દૂજા સુખી યો તો ધણી કો બેટો છે એને માર ડાલો તો સેની જાયદાદ આપણી હોઈ જાયગી. માને ઓર બતા પાને ઉપર બાડી સુ બારે ફાંક દો और मारना क्यों? तो बाड़ी को धनी वहां ठेकेदार है के लार काई करे वो आर वहां मार देगो और बाड़ी दूजा ठेकेदार पे दे देगो तो ये बचन को काई मतलब छे? जी बाठा ने कारीगरा ने बेकार समझ टाल दियो हुई सेना में सबसे बढ़िया खड़ियो जे कोई भी ई भाटा पे पड़ेगो वो टूक टूक हो जागो और यो भाटो जद कोई एक पे पड़ेगो तो उके ताई वो पीस ना केगो. गरु मैं जाना छा कि जो तू केवड़ से खावा छे सही छे. तू मनख्या का दर्जा पे चत ना धरे पण तू मनख्या ने परमात्मा की मर्जी को सत्य सखावे छे. माने बता रोमी राजा ने टेकत देवो मां के लिए कानून के खिलाफ छे के कोने? ध्यान रखो अंदर दाए तक दाए बता बुझाओ जाओ छे. मने एक चांदी को सबको दिखाओ. ઈ પે કી કો નામ ઓર છાપ છે? જે ચીજા કેસર કી છે વાને કેસર કે તાઈ દ્યો આર જે પરમાત્મા કી વાને પરમાત્મા કે તાઈ. અભી કો કઈ જવાબ દે સકો છો? અબ અખમીરી રોટી કો તહેવાર ગોડા આયો જી કે તાઈ ફસે કેવો છે. और ईसा मसीह ने समोन पतरस और योना के ताई फसे को भोजन तैयार करवा फैलिया भेजिया.
મારી ગાડી મરજી છી કે દુઃખ ઉઠાવો છો ફેલી યો ફસો કો બહુ થા કે લાર જીવ ક્યુંકે હું ખું છું જબ તાય પરમાત્મા કા રાજ મેં ઈ કો મતલબ પૂરો ન હોવે તબ તાય હું ઇને કદી ન ખાઉં ધન છે મા કા પ્રભુ પરમાત્મા સરક પૃથ્વી કા રાજા જે દાગ કી બેલડી સુ ફલ ઉપજાવે છે ઈ કે તાઈ લ્યો અર આપસ મેં બાંટ લ્યો ક્યુંકે હું થા સુખું છું જબ તાઈ પરમાત્મા કો રાજ ના આવે હું તાક રસ કદી ના પીઉંગો ધન છે મા કા પ્રભુ પરમાત્મા સરક પૃથ્વી કા રાજા જે ધરતી સુ અન્ન ઉપજાવે છે યો મારો શરીર છે જે થાકે તાઈ દ્યો જાવે છે મારી યાદમાં અશહી કરબા કરજ્યો યો કટોરો મારા લહુમાં નહીં વાંચ્યા છે એ થાકે કારણે બુહાયો જાવે છે ઝાંકો ધોકા દેવા હાળા કો હાથ મારે લારા મેજ પર છે અર મનક કા બેટા કો મરબો સાચાઈ જરૂરી છે જેશા પરમાત્માને ઠહેરાય છે પણ હાય ઉ મનક પે જીસુ પકડવાય જાવે છે યો કોઈ ન સકે મુશ્કેલ છે કપટી કો નામ બતાવા લગા હામે જે સબસુ બડો છે છોટા કે નહીં હોવે અર સ્વામી સેવક કે નહીં હોવે ક્યુકે કુંડ બડો છે વજન જીંબા હાળો યા ફેર પરોસબા હાળો સાચાઈ ઉઈ જે જીંબા બેઠો છે પણ મું થા કે બીચા મેં પરોસબા હાળા કે નહીં છું તા સેંધી મુશ્કેલ મેં મારી લારા છા અર જશા મારા બાપને મેં પર રાજ કરવા કો અધિકાર દ્યો છે વશા ઉઈ અધિકાર થા કે તાઈ દ્યું તા મારા રાજ મેં મારી મેજ પે ખાવગાર પીવગા અર થા રાજ ગદ્દી પે બેઠ ઇસરાયલ કા બારા ગોત્રા પર રાજ કરેગા ફેર કોઈ કપટી કોઈ ના શમોન શમોન ઝાંક દુષ્ટને ચાહ્યો કે તા સેંધા ને પરખે કે છોકા ને બરા સે નાળો કરે જશા કરસાણ ગેહું ને ભૂંસા છું પણ મને થારે કારણે વિનંતી કરી કે થારો બસવાસ ન જાવે જો તું મારી આડી ફરે તો આપણા ભાઈલાને પક્કા કરજે હે માલક હું થારે લાળ જેલ જવા કે કારણે અર મરવા કે કારણે તૈયાર છું કું છું પતરસ કુંકડા કે બાંગ દેવા છો પેલી તું તીન બાર મારી બે નટેગો કે માર તાઈ જાણે છે જદ બના બટવા થેલાર જૂત્યા કે ખંધાય તો થા કે કઈ કમી આવી કઈ કમી કોઈ ના પણ અબજી કે ગોડે બટવાર થેલા છે વાન લેલે અરજી કે ગોડે તલવાર કોઈ ને હું આપણા લત્તા બેચર ખરીદ લે હું થા સુખું છું ધર્મશાસ્ત્ર મેં યો મળ્યો છે કે હું મુલજમાનમાં ગણ્યો ગયો અર મારી બે જે મંડી છી વા આભાર પૂરી હોરી છે ઝાંકો હાટી દો તલવારા છે પ્રભુ વા ઘણી છે પર ઈસા મસીહ સુ પાછો છોડાવા કે કારણે પંચા કી એક સભા યાદ એક બા બેટી કે ઈસુ સુ વા કો ખસા છુટકારો હોવે ઓર દુષ્ટ યહૂદા માં ભર ગયો જી કે પુરખા કો નામ ઇસ્કરોતી છો ઓર જો વારામ સુ એક છો ઉને નેતા કે લારા મલર ઈસુ ને પકડવા કી તરકીબ બનાઈ ઈસુ યરુશલેમ છોડ જૈતુન કા પહાડ પર પ્રાર્થના કરવા ચલી ગયો
प्रार्थना करो कि था इम्तिहान में न पढ़ो। यहूदा इस्करियोती ने सिर्फ 30 चांदी का कलदाना का कारण ईसा मसीह सुन तो को करियो। ईसु जाने छो कि मनख्यान का पापा का कारण उको जीव देवा की घड़ी आ रही छे और उन प्रार्थना करी। हे बाप, अगर ता चाहो तो या बाट की मारे सामे सु एक आड़ी कर लियो, पर मारी ने पर ता की इच्छा पूरी होवे। और एक फरिश्तो उकताई शक्ति देवा का कारण दिखाई दियो और उको पसीनो जाने खून की नाई बड़ी बूंदा बनकर धरती पर टपक रियो छो। था खाई मिस हो रहा छो, उठो और विनती करो कि हम ध्यान में न पड़ो। देर मैंने कबे डाने पकड़वाओ छे। प्रभु काई मैं तलवार से मार डाला। आओ पकड़ लिया। बस घणो छे। अच्छा अच्छा रुका। कहीं था डाकू जानर तलवारा और लाठिया लेर मई पकड़वा आया छो। जदमू था कि लेरा रोजिना मंदिर में छो तो थाने न पकड़ियो। अशा करबा की था कि भगत छे और यो अंधेरा को राज छे। पकड़ लियो इन्हें। रखवाली करो। तब सपाई उकताई आंगना में ले गया और यहूदियों को राजो खेर उकी मजाका करी। राजा रा लत्ता अड़ी तो झाको। मानो बताओ काई होगो, काई तुम्हारा बचाओगो राजा, काई तुम्हारा बचाओगो। यो मनक भी मसीह के लाड़ छो। बड़ा मो उकताई कोने जानो। माने ही के ताई उके लारा देखे छे। आखो गरीब नौकर। तू भी तो मामू से एक छे। पण मको ने छो।
इमें कहीं भी छुपो कोनी, यो मसीह के लाड़ छो, क्योंकि यो भी गलीली छे। चलियो जा। मु कौन ने जानो था की बात कर रहा छे। ईसु गुमर पतरस के आड़ी झांकियो, तब पतरस ने ईसा मसीह की वह बाता चून खींच स्मरण हो आई का आज मुर्गा का बांग देवा सु पहली तुम्हारो तीन भगत अनकार करगो क तुम्हारे ताई कोई न जाने। परमात्मा मन माफ कर यो जो भी हुयो तारी माँ शक्ति सु हुयो परमाऊ जिस आत्मा का बाप दादा ने तारी बुराई करी जत धनुवा सु रोष करियो छो हर खत्म न करियो पण माफ कर दियो क्यों कहते वाक प्रेम वचन और विश्वास के कारण बचा लियो और माफ कर दियो। बता था अर्थ किने मारियो अंतर क्यों से बता तुमने कौन मारा को रेवा दियो मुँह कूँ छू इके तई पंचायत के सामने लाओ जाओ ईसा मसीह सु पूछताछ करबा के कारण जाति नेता की पंचायत बेड़ी हुई। माँ के ताई बता कहीं तू मसीह छे अगर मुँह कहूं ता विश्वास कोई न करेगा और अगर मुँह सवाल पूछू तो था जवाब न देगा। अब सुमनक को बेटो परमात्मा के सुधा हाथ की आड़ी बैठेगो कहीं तू ईश्वर को बैठो छे ता कहो छो कि मुँह छू किने के ताई ये क्यों अधिकार दियो मजरी अब माने अपना आप ही सुन ली कि इन्हें कहीं की छी मैं उन्हें पिला तू उसके गुड्डे ले जाऊंगा। हाँ हाँ आओ इन्हें ले चलो ठीक करी ठीक करी ठीक करी ठीक करी चलो और वह उका ताई पिंतियुस प्लाटियुस के सामने ले गया जो रोमी सास का में सबसु घातक और अकेलो हजारा ने सूली पर चढ़ावा को जिम्मेदार छो। अबार थर थर के ही भगत था लोग मसू कहीं छाओ छो माने इका ताई लोगा ने भड़का तो देखे छे इने मंदिर का चौक में भी गड़बड़ कर जी इको दंड काए हो वगो इको न्यायकार मुई मनक में दंड देवा हाली कोई बात न पाऊछू माने इको दोषी पायो यो कैसर को टेक दे बसु नठे और अपने ताई मसीह कहवे एक राजू राजो काई थू योद्या को राजो छे थे यो खो छो इने यो सेंदा गलील सु चालू करियो अबार अठी भी आजियो गलील को यो मनक गलील को छे तब तो इके ताई राजा हेरोदेस के कब्जा में कर देबो चाहे जे अबार तो यो यरूशलेम में ही छे इके ताई हेरोदेस को गोड़ खंदाओ Hey
तो आपने आपके ताई कहीं कहे छे? वो कौन छे जिन्हें तू अपना चेला केवे छे? मैंने घना सुने छे तू अचरज कर्म करे छे, मार बेबी कह कह कर। महाराज यो सेंधा लोगों के ताई भ्रष्ट कर रियो छे, यो अपने आपको राजो कहवे छे। यो मनक एक राजो? हे महाराज इन्हें छोको कूटो। इन्हें पिला तुझे गोड़े पाछो ले जाओ, ये उकाई देश कुछ है। इके ताई मारबा को हुक्म दियो जाव। अशो जुलम इन कोन करियो, कोड़ा लगारी छोड़ दियो। ई तोबार की भगत तू एक मनक के ताई छोड़बा को हक राखे छे। माके काने बरबा ने छोड़ दे। हाँ और इके ताई दंड दियो जावे। हाँ बरबा ने छोड़ दे। इन्हें सूली पे चढ़ाओ। था था ऊके कोड़ा लगाओ। की बात की बात जोरिया चपला तो जो मसी छे छोड़ दो, ये मसीह छे। इन्हें अंदर चढ़ाओ। फिर भी वह सेंधा तान तान चिल्ला रहा छा के इन्हें सूले पर चढ़ाओ। इस कारण पिलातुस ने यीशु के ताए मारबा को हुक्म दे दियो और बरबा का ताए जे झगड़ा और मारबा के कारण जेलों में डाली गयो छो और जिके ताए वह मांग रहा छा छोड़ दियो और यीशु ने सूले पर चढ़ाबा के कारण वहां का सुपुर्द कर दियो। समन करो नीचे सा। आटी हो आटी। रस्या कर दियो। हे इन्हें उठाओ। चलो एक आड़े हटो। अच्छा हटो।
કરો. તારે કારણ રોવજ અંધાતા માં છાતી કૂટા છા ઈકે તહી પીલે પીલે અંધાતા પીલે પ્રભુ યરૂશલેમ કી ઓરતાઓ મારે કારણે મત રો પણ આપણે અર આપના બાલ કાંકે કારણે રો ક્યોકે જદ ફેડ હર્યો છે તું ઉપર અશા ભીતરી છે તો શું કો હોગો તો કાંઈ હોગો પરમાત્મા થારી સુધી લે માં થારે કારણે વિનંતી કરેગા ચાલો અટેડી આવો ચાલો ભેગા ભેગા ચાલો દેવટી જાઓ ભેગા ભેગા ચાલો ભેગા ચાલો અટી આવો ચાલો ચાલો અગાડી બડો અટેડી આવો ચાલો ચાલો ભાભ્યાને માફ કર, એને જાણે કે કઈ કર્યા છે. એને ઓરા કે તાઈ બચાયો, આ બાપ ને તાઈ બચાવો તો જાણ. હા, આપણે આપને બચા. અરે યદી તું મસી છે સુલી સે ઉતરા. માં કે તાય આપણો એક અજરે તો દેખા.
सैकड़ा बरसा फैली परमात्मा का सुनिया ने जो वाणी खींची क प्रभु यीशु मसीह दो डाकुआ के बीच में लटकाए जाओगो वही तरह पूरी हुई। ये कोई छोटा मोटा लता कोई नहीं छे। सुनो सुनो फेरो ना ना इके ताई मत फाड़ो मैं बताऊ छु काई करा चलो पर्ची डालो ओ मजो आ गयो थाए के टाइम मल गयो थाए को काई करेगा उका माथा ऊपर तख्ती लटका दी जी पर यो मल रियो छो यो यहूदियों को राजो छे। यदि तू यहूदियों को राजो छे तो अपने ताई बच्चा काई तू मसी कोई न आपने आपने बचा और माने भी काई तू परमात्मा सु भी न डर पे इन्हें कोई भी जुल्म न करियो फिर भी इन्हें आपना नहीं दंड मिल रियो छे ईशु तू अपना राज में आवे तब मने समरण कर जे मु बचन दे छ आज तुम्हारे लाल सरग लोक में होगो दफेरी की बगत होगी छी और तीन घड़ी ताई सेंधा मुलक में अंधेरो छाई हो रियो यरूशलेम के मंदिर को पर्दो बीचा मसू ऊपर से नीचे ताई फाट गयो ए बाप मुमारी आत्मा थारे सुपुर्द करू छु जब सपाया का सरदार ने ऐसे दी घटना देखी तो परमात्मा की जय जयकार कर की परमात्मा की जय हो सच्चाई यो धर्मी मनक छो अर्मितिया को रे बाहलो यूसुफ जो कि जाति पंचायत को एक पंचो ई विचार और कामासु राजी कोई नचो उन्हें पिलातुसु इजाजत मांगी के दन आध्या ताई विश्राम हो बासु पेलिया यीशु की लाश ने कबर में राख सके
મને માફ કર, માં આપણા અંદાતા કે અર્થી કે પાછે ચાલ રહ્યા છે. સેન્ડા આ શકે છે, પણ આવો ચૂંકી શપથ ઉભા છે. दीतवार के तड़के वल उगाया सेंधी सुगंध की चीजा लेर कब्र पाए जवान तैयार की जी. वाने देखियो के कब्र को बाटो कब्र पसु हटियो पड़ो छे और जद वह कब्र के मायने दसी तो प्रभु यीशु की लाश वहां कोई न छी. थे जीवता के ताय मरियान में काई में ढूंढो छो, वो अठी कोई न, वो तो जीव तो हो गयो. याद छे था ने गलील में उन्हें काई खींची. मनक को बेटो दुस्ता के हाथ पकड़वाए जाओगो, सूली पे चढ़ाए जाओगो और तीजे दिन फिर जीव तो हो जाओगो. बाटो हटियो छो और जद मां कबर के भीतर गया तो मां का परमात्मा की लाश वहां कोई न छी. कहीं लाश कोई न छी. अर दो मनक सरक दूध सा सूरज की नहीं दिखिया. वन मां से यूं की था जीवता न मरिया मां क्यों ढूंढो छो. यह साची छे. मां को बस बस कर. माने उके ताई देखियो छे थे जाओ आपनो आप देख लियो कबर खाली छी. मां को परमात्मा मां कोई न छो. पत्रस थारे ताई मां पा विश्वास करनो ही पड़ेगो. मसीह यीशु ने अमाउस का गेला में दो चेला ने दर्शन दिया. वो बेगा बेगा दूसरा चेला का गोड़ खबर करवा आया. साचा है प्रभु जी उठो छे. वो पत्रस के ताई दिखो छे. जब वो गेला में छो मां उन्हें पहचान न सके. पण रोटी तोड़ बा सुई मां उन्हें पहचान सके. अमाउस में अचरज छे. वो वहां पहुंच गयो. था के ताई शांति मिले. था खाई में परेशान छो. था का मना में ये सब खाई में आ रहा छे. देखो मारा हाथ और मारा पग और झाको के मुख खुद ही छू. हाथ लगाओ तो था पहचान लेगा. क्योंकि आत्मा का हार्ड मास कोई न होगा जैसा था मारे में देखो छो. जद मु था के ला रहा है छो यही बात था से कह रहे छो. और मारी बेई मूसा का नियम सुनिया का लेकर भजना में जे बाता मंडरी छी सेंधी सांची होनी छी. जे मंडियो ऊ यो छे. मसीह ने कष्ट उठानो पड़ेगो और मरियान में सो तीजे दिन जीव तो होगो. और उका नाम मन फराबार पापा की क्षमा को संदेश यरूशलेम से चालू हो सेंधी जातिया में प्रचार करो जाओगो. था यहाँ सेंधी बाता का गुआ छो. मुकुद था पे अपना बाप को वादो लाओ छो. पर था ने जरूर शहर में ठहरबो होगो. जब ताई था पे सरक सुसकती कोई ना उतरे.
परमात्मा था के ताई आशीष दे और संभाले। सरग और धरती में सेंदो अधिकार मपे दियो गयो छे। ये कारण जाओ और सेंदी जाता न सिखाओ और वाने बाप बेटा और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दियो और जे कुछ आज्ञा मैंने था के ताई दी मान बो सको। और देखो जगत का अंत आई मुँह हमेशा था के लाल छो। आमीन। जी कबर में ईसा मसीह को शरीर राख्यो छो वह कबर अब रीति छे। आपनी सूली की मौत का तीन दना पाछे ऊ मरियाम से जीवतो हो गयो। ऊ जीवतो छे और था का जीवन में आबो चाव छे। ईशु ने खुद ही खियो पुनरुत्थान और जीवन मुई छू और जे कोई मैं पे विश्वास करेगो वो नाश न होगो पर अमर रहेगो। ईसा मसीह ने मरिया हुआ मसू जीव तो होया करीब 2000 बरस बीत गया और आज भी वो ईलोक में सबसे बड़ो और सबसे शक्तिशाली प्रभाव के रूप में जीव तो छे। पुराना जुगा का गमंडी मनक आया और चली गया। राजा विद्वान वैज्ञानिक दार्शनिक और धर्म की बातों के बहाड़ा आया और चली गया पर ईसु अबे भी जीव तो छे। जो मनक होया वामसू ऊ सबसे अचरज को छे। ऊ को जन्म सबसू न्यारो छे। बाइबल वहाँ कथाएं बताओ छे कि ऊ कुंवारी मरियम सु जन्मियो। ऊ को जीवन सबसू न्यारो छे। ऊ को जीवन परमात्मा की शक्ति सु चरितार्थ होयो। उन्हें पाप सु नालो रेर पवित्र जीवन बितायो और जे कोई इस धरती पर या वामस सेंदा सु ऊंचा अचरज का काम किया। ऊ को उपदेश सबसु नालो छो। जो कोई उन्हें कल्याण करबा हालो और अन्दाता के रूप में स्वीकार करे छे उन्हें ऊ प्रेम क्षमा और जीवा को नयो गेलो प्रदान करे छे। और जेठी जेठी ऊ को संदेश पहुँचो ऊ को नतीजो नयो जीवन नई आशा और जीवा को नयो उद्देश्य होयो। सूली पर ऊ की मौत सबसु न्यारी छी। 2000 बरस पहलिया सरग पृथ्वी का परमात्मा ने मनक जाति का पापा का बलिदान के खातर अपना इकलौता बेटा यीशु के ताई भेजियो। ऊ था के कारण मरियो। ऊ को फेर जीवो भी अचरज को काम छो। ऊ की मौत के तीन दिन पाछे इतिहास में सबसे बड़ी घटना हुई। यीशु मसीह मरबा हाला मसू जीव तो होयो। ऊ को जन्म जीवन मरबो और फिर जी उठवो ये सिंधी बातें या साबित करे छे कि प्रभु यीशु ठीक उई छे जी की बेईवाना दावो करियो छो कि यो ही परमात्मा को बेटो और मनख्या को कल्याण करबा हालो छे। यो ही यीशु मसीह आज भी जीवित छे। वो चाहो छे कि था का जीवन में आवे पाप माफ करे और आज ही भर जीवन जीवा की शक्ति दे। ऊ का बचना न सुनो। ऐसे दा मेहनत करबा हाला और बहुत सुदबिया मन ख्याओ मारे गोडे आओ मुथा के ताई आराम दूंगो। गेलो सत और जीवन मुँह ही छू बगैर मारे कोई भी परमात्मा के गोडे न पहुँच सके। बाइबल धर्म शास्त्र बतावच है कि सेना ने पाप करियो और परमात्मा की महिमा सु गिरियावच है। वो यूं भी कहवच है पापा की मजदूरी तो मौत है पर परमात्मा की भेंट मारा प्रभु यीशु मसीह सु अमर जीवन छे। जद यीशु मरियो तब उन था का सेंदा पापा की कीमत चूकती कर दी। ई भगत वो था का जीवन में आबा के कारण तैयार खड़ियो छे। झांक मु दरवाजा पे खड़ियो खटखटाऊं छे। जे कोई भी मारो सबर सुनर क्वाड खोलेगो मुँह के लार भीतर जाऊं। ऊ को प्रेम और माफी को अनुभव करबा के कारण और अमर जीवन पापा के कारण था न उन्हें आपनों पापा के खातर परमात्मा को बलिदान स्वरूप मान बोगो और विश्वासू आपना जीवन में ऊ कताई आबा को नूतो देवो होगो। जद या था का मन की मर्जी होवे तो था विश्वासू बंती कर सको छो। यीशु मसीह था का जीवन में आओगो
प्रार्थना करबा को तरीको आसान बतायो छे। मुँह फैली खूंगो, प्रभु यीशु मारे ताई थाई की जरूरत छे, मारे पापा के कारण सूली पर मरबा के कारण थारो धन्यवाद। मुँह अपना जीवन को क्वाण खोल थारे ताई आपनो प्रभु और कल्याण करबा हालो मानु छू। मारी जीवन जेवड़ी अपना हाथा में ल, मारे ताई वशो मनक बना जैसो तू चाहो छे, आमीन। यदि या बनती था का हृदय की मर्जी ने बतावे छे तो था जठी जठी छो ई भगत ही ई बनती ने करो। मारे पाछे पाछे धीरा धीरा मन में बोल जो, मुँह एक एक लेण ई के ताई बोलूंगो, प्रभु यीशु मारे ताई था की जरूरत छे, मारा पापा का कारण सूली पर मरवा के कारण थारो धन्यवाद। मुँह अपना जीवन को क्वाड खोल र, था के ताई आपनो प्रभु और कल्याण करबा हालो मानु छू। मारी जीवन जेवड़ी आपना हाथा में ले, मारे ताई वशो मनक बना जिसो तू चाहो छे, आमीन। अब जब था ने या विश्वास की विनती करी छे और यीशु मसीह ने आपनो जीवन में आबा को नू तो दियो छे, तो या निश्चित हो जान सको छो कि ऊ था का जीवन में आ गयो छे, जिसा उन वादो करियो कि ऊ केवल था का बुलावा पर अशा ही करगो। था यो भी विश्वास कर सको छो कि था का सेंधा पाप माफ हो गया और था परमात्मा की संतान छो और था के गोड अमर जीवन छे। यदि था सेंधो और भरियो पूरो जीवन जी को वादो ईसु ने करियो छे अनुभव करवा चाहो छो, तो रोजीना प्रार्थना में ऊके साथ बाता करो और धर्मशास्त्र पढ़ था के जीवन के कारण ऊ की अचरज भरी योजना की खोज करता रहीजो। और जे ऊ के लार लार चाले और ऊसू प्रेम राखे छे, वहाँ सु मेलजोल राखो, आखिर में ऊ का अद्भुत वादा ने हमेशा याद रखाणो। मुँ थाने कदी न छोड़ूंगो और त्यागूंगो, जहाँ को दुनिया का अंत ताई हमेशा मुँ थाके लार छू।